हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नूपुर और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेके आई हूं एक बहुत ही मजेदार स्नैक्स जो कि है कॉर्न पोटैटो कटलेट्स। तो आइए फिर इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कॉर्न पोटैटो कटलेट्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप कॉर्न। इसको हम एक ब्लेंडर में डालकर इस तरह से थोड़ा सा दरदरा होने तक पीस लेंगे। अब हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और उसमें डाल देंगे ये ग्राइंड किया हुआ कॉर्न। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये 2 मीडियम साइज का बॉयल और मैश किया हुआ आलू, 1/4 कप बारीक कटी हुई प्याज, 3 टेबलस्पून बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच घिसा हुआ अदरक और ये 2 टेबलस्पून साबुत कॉर्न। इसके साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे ये बारीक कटा हुआ धनिया, तो इसमें जाएगी ये 1 चुटकी हल्दी, 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून अमचूर पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 4 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन और 3 टेबलस्पून इसमें जाएगा ब्रेड क्रम्स। अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि एक सॉफ्ट डो जैसा फॉर्म हो सके। तो ये देखिए, कटलेट बनाने के लिए हमारा जो डो है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम हाथों को इस तरह से तेल से ग्रीस कर लेंगे और इसके कटलेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए इस मिक्सचर से हम छोटा छोटा पोर्शंस कुछ यूं कट कर लेंगे और फिर इसे कटलेट का शेप देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कटलेट्स को कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आज इसे इस तरह से टिक्की के शेप में बनाया है और इस तरह से हमारा ये एक कटलेट बनकर तैयार हो गया है। अब इसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस मिक्सचर से थोड़ा सा पोर्शन लिया है और इसे कबाब की तरह इस तरह से आइसक्रीम स्टिक पर लगा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सभी कटलेट्स को बनाकर यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया है। फ्राई करने से पहले हम क्या करेंगे कि इन कटलेट्स को हम थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स में इस तरह से कोट कर लेंगे, जिससे कि ये फ्राई होने के बाद काफी क्रिस्पी बनेंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने तेल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, तो ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट होने के बाद हम इस तरह से कटलेट्स को एक एक करके तेल में डाल देंगे फ्राई होने के लिए। इन कटलेट्स को फ्राई करने के लिए हमें गैस का जो फ्लेम है उसे मीडियम टू हाई रखना है। कटलेट्स को तेल में डालने के बाद हम उसे दूसरी तरफ से फ्लिप कर लेंगे और उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि उनका जो कलर है वो अच्छा गोल्डन ना आ जाए। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी ये कॉर्न पोटैटो कटलेट्स बनकर तैयार हैं। इन्हें हम एक क्लीन किचन टॉवल पर निकाल लेंगे ताकि इनका जो एक्सेस ऑयल है वो रिमूव हो जाए और उसके बाद फिर हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अगर आपके घर में पार्टी है तो आप इसे एज अ स्टार्टर सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसे इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक करें जिससे कि मेरे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सकें। मिलते हैं आपसे फिर एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।